एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सलमान खान आजकल अपने आने वाले फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त हैं। सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है को खास बनाने के लिए अबू धाबी की रेतीली वादियों के बीच शूटिंग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि कुछ दिन पहले सलमान खान सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बैंडस्टैंड बांद्रा की तरफ निकले थे और उनके साथ दो सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। उन्हें मॉर्निंग वॉक करते हुए देख कुछ लड़के उनसे सेल्फी लेने की गुजारिश करने लग गए, लेकिन सलमान खान अपनी मॉर्निंग वॉक में किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाने से ज्यादा अपनी मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू रखना समझा। हालांकि लड़के कुछ देर तक उनके पीछे भाग गए, लेकिन सलमान के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। लेकिन जब सलमान खान अपनी मॉर्निंग वॉक पूरी करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा जो लड़के थोड़ी देर पहले उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बोल रहे थे, अभी वे लोग सिगरेट के दम मांच रहे हैं। यह देखकर सलमान खान से रहा नहीं गया, वे लड़कों के पास पहुंचे और उन्हें खूब फटकार लगाई। सलमान खान की फटकार सुनकर उन लड़कों ने अपनी सिगरेट समेत तमाम नशे की चीजें कूड़ेदान में फेंक दी और सर झुका के सलमान के सामने खड़े हो गए। इसके बाद सलमान खान ने खुद उन लड़कों से सेल्फी लेने को कहा। सलमान खान की तरह बॉलीवुड में कई बड़े बड़े स्टार हैं जो चाहे तो समाज में बदलाव ला सकते हैं, देश के युवा वर्ग को नशे से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार पैसों के लिए शराब जैसी कई अन्य नशे की चीजों को प्रमोट करते हैं।